ठीक है, यस सर। ओके। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर टुडे विद द इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। वैसे तो सारा कुछ लिखा हुआ आपके सामने, लेकिन मैं साथ आपको बोलता रहूँगा कि नॉट नेसेसरली कि मैं वहाँ से रीड करूँ। तो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा मेथड है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को बड़े कंप्रेस तरीके से इंटेलिजेंटली शेयर करते हैं। जैसे अगर आप टेलीविजन पे सुनते हैं कि जी इन्फ्लेशन रेट जो है वो 10% है, तो ये एक आप देखने में तो एक आम आदमी को ये पता चलता है कि 10% प्राइसेस बढ़ गई है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कैलकुलेशंस हैं। पहले वो प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फिर उसका परसेंटेज ग्रोथ निकालते हैं। प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए कुछ 450 गुड्स की प्राइसेस को देखा जाता है, उनका बजट में कितना शेयर है वो देखा जाता है। तो बड़ा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होती है। पूरा एक अदारा है फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो इस्लामाबाद में है, जो ये काम करता है। तो जो आपको डेटा बताया जाता है कि ये ऐसा हुआ है, उसके पीछे बहुत बड़ा काम होता है। तो लेकिन आपको अगर ये बताया जाएगा जी फलां चीज़ की प्राइस इतनी है, फलां की इतनी है, पिछले महीने इतनी थी, आप इतनी है, तो वो तो पूरा आपको घंटे का प्रोग्राम, दो घंटे का प्रोग्राम के बाद आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि ये क्या हुआ क्या है। एक सिंपल फिगर आता है आपके जी 10% इन्फ्लेशन होगी, जो एक आम आदमी को समझ आ जाता है। तो ये इसको मैं कहते हैं एक इंटेलिजेंट वे ऑफ कलेक्टिंग, प्रेजेंटिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। यानी आपने डेटा को कलेक्ट किया, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जो हाईली रेलेवेंट है इसके लिए, फिर उसको प्रेजेंट किया, उसको एनालाइज किया। तो ये एक एग्जांपल दिए। इसी तरह अगर आपको एग्जांपल दूँ मैं कि जी जीडीपी ग्रोथ रेट आज इस साल जो है वो 3.9% है, तो इसके पीछे भी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है और ये इंटेलिजेंट वे है कि आपको बता दिया जाए। पाकिस्तान में पावर्टी फ़र्ज करें कोई हम कहते हैं जी 20% है, तो उसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है। आपने पावर्टी लाइन बनानी होती है, पावर्टी कैलकुलेट करनी होती है, लोगों की इनकम चेक करनी होती है, बहुत बड़ा काम है। तो स्टैटिस्टिशियन का काम यह है कि सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको समराइज करके किस तरह प्रेजेंट किया जाए कि देखने वाले को एकदम से समझ आ जाए। जैसे आप ग्राफ बना लेते हैं, अगर आपको सामने एक ग्राफ बना दिया जाए जिसमें कोई एस्पेक्ट दिखा दिया जाए, लेट्स से कोरोना से जिनकी डेथ हो रही है दुनिया में, तो अगर आप गूगल में सर्च करें कि जी कोरोना लाइव अपडेट, तो आपको वो पूरे चार्ट बनाए मिल जाते हैं। तो जो लोग इवन बिल्कुल पढ़े हुए नहीं है, मेरे घर में जो सर्वेंट मेरा काम करता है वो 2 जमातें पढ़ा हुआ है, उसको अपना नाम मुश्किल से लिखना आता है, तो वो गूगल खोल के चेक कर रहा होता है फलां काम कैसे करते हैं, ये काम कैसे करते हैं, ग्राफ शराफ ये चीज़ें देख रहा होता है वो, कोरोना की किस तरफ जा रहा है वो देखता रहता है। तो ग्राफ जो है वो तो एक तस्वीर है ना, तस्वीर तो पढ़ा लिखा है अनपढ़ आदमी दोनों देख सकते हैं, उनको नज़र आ जाएगा कि ये लाइन जो है ये बार चार्ट बनाए या कोई लाइन चार्ट बनाए या कोई बनाए, तो वो नज़र आ जाएगा ये ऊपर की तरफ जा रही है नीचे की तरफ जा रही है। इसी तरह मीन आप कैलकुलेट करते हैं, मीन है कि इसकी एवरेज क्या है, तो स्प्रेड कितनी है नंबर आपके, जो अगर मैं बताऊँ कि जी मेरी क्लास के स्टूडेंट बड़े लायक है तो मुझे बताना पड़ेगा बजाय इसके कि मैं 40 स्टूडेंट की मार्क्स बताऊं एक एक करके, तो मैं कहूँगा मेरी क्लास बड़े लायक है, उनमें 70% मार्क्स आए हैं, ठीक है ना। मैं कहूँ जी मेरी क्लास में जो है स्टूडेंट सारे एक जैसे हैं, तो वो कहने के लिए मैं सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करूँ, तो कोई जी मीन 70 है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ 5 है, तो बीच मीन के सिर्फ थोड़ी थोड़ी 5 नंबर की वेरिएशन है। तो अगर मैं कहूँ जी मीन जो है वो 70 है, वेरिएंस जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 20 है, तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट में बहुत फ़र्क है आपस में, बहुत लाइक स्टूडेंट भी हैं और बहुत कमज़ोर स्टूडेंट भी हैं। तो ये इंटेलिजेंट तरीका है नंबर्स के साथ खेलने का, नंबर को प्रेजेंट करने का। अच्छा, अब इसमें हमने कोर्स को आपके 200 में तकसीम किया है, स्टैट्स के जो 2 कोर्स हैं, किसी ज़माने में एक होता था MA की डिग्री जब होती थी 2 साल की, तो अब चूँकि 4 साल की डिग्री है तो इसके हमने 2 से कर दिए। एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक जो आप लोगों ने पढ़ लिया है, दूसरा इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक। तो इसमें क्या फ़र्क है? इन मोस्ट केसेस द डेटा टू बी एनालाइज कैन नॉट
डू नॉट कंटेन द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इतनी है, तो ऐसा तो नहीं कि फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाले पाकिस्तान में जितनी दुकानें हैं, वो तो लाखों में दुकानें, हर दुकान पे वो जाके उन्होंने हर चीज़ की प्राइस ली है. ऐसा नहीं है. आप एक मिठाई की दुकान पे चले जाएँ तो आपको वहाँ पे 30-40 आइटम नज़र आएंगे. सब्ज़ी की दुकान पे चले जाएँ, इतने ही आइटम वहाँ नज़र आएंगे. परचून की दुकान पे चले जाएँ तो आपको 300 आइटम नज़र आएंगे. फिर कपड़े की दुकान है, फर्नीचर है, दुनिया जहाँ की चीज़ें बिकती हैं, प्लास्टिक का मटेरियल है, इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं. तो वो तो यानी फिर अगर आप चले जाते किसी पंसार के पास, उनके पास तो कई 100 चीज़ें पड़ी होती हैं. फिर हर दुकान पे कीमत करनी. तो हम क्या करते हैं, हम एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो दुकानें लेते हैं. हर शहर में से लट से 5-5 दुकानें ले ली. ठीक, तो अगर आपके टोटल शहर, बड़े शहर जो है वो फ़र्ज़ किया 100 है और आपने 5-5 दुकानें ली हैं हर जगह, तो 500 दुकानों का आपने सैंपल ले लिया. और वहाँ से आप ये नहीं कि हर वक्त सुबह दोपहर शाम रात हर टाइम पे कीमतें पूछने लाए. सुबह से शाम तक कीमत चेंज हो जाती है. सब्ज़ी वाला सुबह उसकी कीमत ज़्यादा होती है, शाम तक वो सब्ज़ी उसकी जब ख़राब हो रही होती तो वो बहुत सस्ती कर देता है ताकि उसकी निकले. तो वो आप हर टाइम पे तो कीमत नहीं पूछ सकते हो, हर चीज़ की कीमत तो नहीं पूछेंगे. तो फिर आप रिप्रेजेंटेटिव डेटा लेते हैं, तो एक सैंपल लेते हैं जो अंडरलाइन कंप्लीट इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है. तो अब ये मसला हो गया कि सैंपल जो है वो उसके पीछे टोटल रियलिटी है, पूरी कंप्लीट रियलिटी है, जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन. पॉपुलेशन जब आप का वर्ड सुनते हैं तो नॉर्मली तो हम डेमोग्राफिक सेंस में लेते हैं. जब भी हम कहेंगे जी पाकिस्तान की पॉपुलेशन, तो इसका मतलब पाकिस्तान के सारे लोग 22 करोड़, ठीक है ना. लेकिन हम 22 करोड़ लोगों को तो नहीं एनालाइज कर रहे होते, हम तो छोटा सा उसका पार्ट एनालाइज कर रहे होते. तो लेकिन स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का मतलब सिर्फ वो डेमोग्राफिक मीनिंग नहीं है कि नंबर ऑफ पर्सन. पॉपुलेशन किसी चीज़ की भी हो सकती है, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा. तो पॉपुलेशन जो है वो एक कंप्लीट सेट है किसी भी चीज़ का. वो पर्सन हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, कोई मकान हो सकते हैं, कारें हो सकती हैं, ठीक है ना, बर्ड्स हो सकते हैं, कोई चीज़. विजिट्स टू डॉक्टर, यानी लाजमी नहीं कि टेंजिबल चीज़ हो, फिजिकल जो नज़र आ रही हो, वो एक नॉन टेंजिबल चीज़ हो सकती है. टोटल नंबर ऑफ विजिट्स टू डॉक्टर, नंबर ऑफ पीपल हैविंग इन्फेक्शन, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो पॉपुलेशन को हम वो तो कंप्लीट सेट ऑफ डेटा है ऑन एनी पर्टिकुलर आइटम, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर. सैंपल उसका एक हिस्सा होता है नॉर्मली, उससे एक ड्रॉ कर लेते हैं पॉपुलेशन में से सैंपल, ठीक है ना. तो नॉर्मली सैंपल पॉपुलेशन बड़ी होती है और सैंपल उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है. जैसे हम हर साल कैलकुलेट करते हैं कितनी पावर्टी है, कितनी इन्फ्लेशन है, कितनी जीडीपी ग्रो की है, ये हम पूरी पॉपुलेशन को नहीं स्टडी कर रहे होते हैं. एक सैंपल ले के हम उससे ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे थे कि पूरे पाकिस्तान में क्या पोजीशन है. तो नॉर्मली सैंपल जो है वो पॉपुलेशन से हेलो, आवाज आ रही है अमन? आ रही है. तो मसला क्या कुछ और है? सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं. अमन आपको आवाज आ रही है? आ रही है भाई. नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही.
जी भाई यार ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्या सीन है? किसका? तुम्हारा? नुमान ये अपना यासिर और अली का है। सर से कोई कांटेक्ट करे यार। सर ऑनलाइन तो नजर आ रहे हैं, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है। तो नोमान भी ऑफलाइन हो गए? नोमान भी ऑफलाइन हो गए आई थिंक। सर ने कोई और मीटिंग ने शुरू कर दिया, लेट मी चेक। हाँ सर दूसरी हाँ मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में अच्छा आ जाओ। ठीक, सही सही ठीक है।